हेलो व्हाट्सएप के सब कैसे आप सभी लोग, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे और नए इंटरेस्टिंग वीडियो और ब्लॉग में। सो जो लोग नए आ रहे हो उन सबको बता दूं, मेरा नाम धर्मा रावल है, ठीक है। सो आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं मोटर व्लॉगिंग की। इसमें क्या होता है, बाइक होते हैं उसके ऊपर हम लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं। सो आज से हम लोग वो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हमारी फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट वीडियो है। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उन लोगों को बता दूं, इस चैनल पर मैं करता हूं व्लॉगिंग, मोटर व्लॉगिंग और ऐसे फनी कंटेंट मेरे चैनल पर आते रहते हैं। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पर नया आते अच्छे से लाइक कर देना, और वीडियो खत्म होने के बाद आपको वीडियो का जो भी पार्ट अच्छा लगा हो वो कमेंट करके बता देना। तो आओ यार हमारे फर्स्ट सीरीज की फर्स्ट डे की फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करता बिना किसी देरी के। और यहाँ पे आगे पूल है जो कि गाइस एक बहुत अच्छा सा सीन आता है यहाँ पे। सो मैं आज आपको वो वाला सीन दिखाने वाला हूँ कि कैसा सीन आता है वहाँ से। और अभी सनशाइन है, देख लो सामने से दिख रहा होगा। सो वो भी आपको वहाँ से दिख जाएगा पुल के ऊपर से। और बस अभी हम लोग यही इकोनॉमी वाली स्पीड पर चलाने वाला है, क्योंकि ज़्यादा चलाएंगे अगर तो गर्मी है, बाइक हीट हो जाएगा। हर हर महादेव महादेव महादेव। देखो इस बस वाले को पता ही नहीं है कहाँ पर जाना है उनको। अभी कुछ ज़्यादा बोलूँगा विवाद हो जाएगा भाई, इससे अच्छा कुछ बोले ही ना हम। और अभी हम यहाँ पे अपनी स्किल्स दिखाते हुए बाइक की, इससे ज़्यादा नहीं जानेगा हमें, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं जानेगा क्योंकि हम एक रिस्पॉन्सिबल राइडर है, ठीक है। बस लास्ट गियर में बाइक डालती फोर्थ गियर में, और 40 से ऊपर नहीं जाने का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो वाइब आती है ना 40 की स्पीड पे, और ऐसे आप चल रहे हो अकेले तो कुछ नेक्स्ट वाली वाइब आती है। और आपको मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है नहीं आ रही है तो वो आप लोग नीचे लिख देना, क्योंकि गाइज ये हमारा टेस्टिंग वाला है। तो गाइज हमें भी पता नहीं है कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है, क्योंकि जब हम लोग देखेंगे तब हमें पता चलेगा ना कि ये ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और गाइस ये पीछे गाइस क्या ही तो सीन आ रहा है यार यहाँ पे आके सामने। गाइस पीछे मेरा दोस्त बैठा है, वो मुझे बता रहा है कि ऐसे ऐसे कर तो ठीक से हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम क्या कह रहा है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टाइम हो रहा है मोटर व्लॉगिंग, यानी कि मैंने जो सेटअप किया है उसमें फर्स्ट टाइम ऐसा व्लॉगिंग कर रहा हूँ। सो मुझे पता नहीं है कैसा हो रहा है, तो अभी हम लोग वही ट्राई कर रहे हैं ना। और ये गाइस ये देखो ये क्या एकदम है, क्या लग रहा है, एक नंबर। और हाँ कि मैंने कपड़े पहने, वाइट टी शर्ट ब्लू जींस का पैंट, और क्या ही बोले, फर्स्ट टाइम हो रहा है मुझे ऐसा हो रहा है, मैं क्या बोलूँ। धीरे धीरे मैं जैसे स्टार्ट कर रहा हूँ मोटर व्लॉगिंग, धीरे धीरे मुझे बोलना आ जाएगा कि मैं कौन सा टॉपिक लाऊँ वीडियो में, जिससे कि आप लोग भी ज्वाइन कर सके हमारी राइड को। और ये देखो यार एक नंबर, ये पे जो वाइब आ रही है ना यहाँ पे, देखो ये बाइक है मस्त एकदम 40 की स्पीड है। और ये देखो लाइक हेवन, एक नंबर है, हेवन जैसा लग रहा है यार, स्वर्ग जैसा लग रहा है। ओ भाई साहब, अगर यहाँ पे हेलमेट में कोई अच्छे वाला इंग्लिश सॉन्ग बज रहा होता ना सो गाइस क्या मजा आता। और यहाँ पे देखो पीछे कुछ लोग फोटोज खिंचा रहे हैं। और ये लो अभी यहाँ पे सब लोग अपनी गाड़ी चेंज कर रहे हैं, गाड़ी का ड्राइवर चेंज कर रहे हैं। ओ भाई देखो यार सामने एक नंबर। और ये गॉड सी दिस, ओ भाई साहब एक नंबर। गाइस पीछे बैठा है मेरा बड़ी हॉबी शाह, और अभी यहाँ से हम लोग हो जाएंगे रिटर्न, ठीक है। यहाँ तक की राइड बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि इससे आगे जाएंगे ना तो घर से मना किया है आगे जाने को, ठीक है। इससे आगे जाने का घर वालों ने मना किया है, इसलिए यहाँ तक इनफ है। और ये देखो रॉन्ग साइड पे आ रहा है यार, टर्न लेना आगे से, टर्न लो ना यहाँ से, क्यों टर्न ले तो पता नहीं चलता है वो चीज़ तो हमें। और गाइज एक बार ही आप लोग से सोचो कि आपका एक छोटा सा गांव है, और आपके गांव में सिर्फ आप अकेले ही
मोटो व्लॉगर हो, ठीक है। सो वो भी आपको दिखाऊंगा कि अगर आप आपके गांव के पहले मोटो व्लॉगर हो सो आपको कैसे रिएक्शंस मिलते हैं गांव में से, ठीक है। वो मैं सुन लाऊंगा ऐसा वीडियो कि जब आप लोग फर्स्ट हो मोटो व्लॉगर आपके गांव के, तब वो कैसा सब कुछ मिलता देखने को। और भाई से तो क्या ही एकदम हो रहा है यार, एक नंबर यहाँ पे ये सब लोग देखते हुए भाई फोटो गाइस फोटो खिंचा रहे हैं वो लोग वहाँ पे एक नंबर। और अभी कर लेंगे अपने बाइक को न्यूटन, जिससे क्या होगा पेट्रोल ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि ढलान है आगे, जिससे क्या हो अपना बाइक धीरे धीरे आगे चलता हौले हौले चलता रहेगा, हौले हौले। खड़ा हूँ आज भी वही कि दिल फिर बेकरार है, कैसी है ये बेबसी, कैसी दिल की आस है, छूलो जो मुझे तुम कभी, खोना जाऊं मैं रात दिन, नजरों में है तुम हो बसे, आओगे तुम कभी मेरी जान कह रही। बस यार इससे आगे नहीं आता क्योंकि वो इंस्टाग्राम में यार यहीं तक देखा ना मैंने। देखो अभी अभी तक मेरा बाइक न्यूटन ही है और न्यूटन पे ही चल रहा है। मैंने जब हम लोग आधे पुल से नीचे उतरे थे तब मैंने इसको न्यूटन किया था, तो अभी तक न्यूटन पे ही चल रहा है जी। अभी भी गाइस देख सकते हो हम लोग न्यूटन में ही चल रहा है ये बाइक। जब ऐसा होगा ना बाइक स्लो, जब अभी बाइक स्लो हुआ है तब हम लोग फर्स्ट गियर डालते हैं, जिससे कि क्या हो बाइक की हेल्थ भी अच्छी रहे। देखो बाइक बंद हो गया, अभी गाइस बाइक स्टार्ट हो गया। तो शायद से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि विरमगाम में एक हिस्टोरिकल प्लेस है मुंसा तालाब, सो उसका भी हम लोग डेडिकेटेड एक वीडियो लाने वाले हैं सुन। सो वो भी इसी चैनल पे आने वाला गाइस, तो बने रहना सुन, मतलब एक दो वीक के अंदर आपको आ जाएगा। देखो ये सब लोग रूल की माँ बहन कर दी सब लोगों ने, यहाँ पे कैमरा लगे फिर भी लोग ऐसे ऐसे चल रहे हैं। अभी इसमें मैं क्या बोलूँ कुछ पता नहीं चल रहा है। वो आंटी जी हंस रही है दिशा में देख के, पता नहीं क्यों मगर हो गया कुछ। चलो वो तो मुझे पता नहीं है कैसा हो रहा है यहाँ पे सब कुछ। देखो अगर कुछ ज़्यादा बोलेगा विवाद। अरे भाई राइडर, हम तो बस ऐसे निकल पड़े ना राइडर, आप सब लोग है भाई। देखो गांव में एंटर हो गए और अभी देखते हैं कि लोगों के रिएक्शंस कैसे होते हैं। जो लोग पहचानते हो गए लगी गई, मुझे कोई ऐसा हेलमेट में कोई पहचानेगा तो नहीं जब तक मुझे पता है, तो लोग मुझे पहचानेंगे नहीं क्योंकि मैंने हेलमेट पहना हुआ है। एक काम करते हैं यहाँ से चलते हैं हमारा। जय माता जी। और ये हो गया गोलवार दरवाजे से एंटर हो गए अभी हम लोग, और ये हमारा गांव का रोड टावर रोड कहते हैं इसको हम लोग। सो ये अभी यहाँ पे रिएक्शन सारे स्टार्ट हो गए, बहुत सारे लोग देख रहे हैं जिनको शायद से नहीं पता होगा कि ऐसे भी मोटो व्लॉगिंग करते। इसमें से कुछ लोग ऐसा भी कहेंगे कि ये लोग आजकल के लोग ऐसे फ़ोन लगा के घूमते फिरते हैं। और बस अभी आएगा हमारा घर यहाँ पे, यहाँ से दे देते इंडिकेटर, ये ज़रूरी है जब आपको मुड़ना होता है तब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंडिकेटर, उसको देने के बाद ही आप लोग मुड़ सकते हैं, इससे क्या होता है अच्छा होता है। तो बस यारो आज का टेस्टिंग यहाँ पे ख़त्म होता है, हमारा व्लॉग यहीं भी ख़त्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू एंड जय हिंद।